नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करते हैं जा आप ही लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल ये प्रोग्राम है और हर समय के जैसे कि हमने एगो विषय के संगे आप लोग के आगे आ जा और आज हमने ग कौन बीमारी पर बात करब जा वो हा हेमोफीली जरा हमने बोलिया जा हिमोफीलिया कौन चीज हँ कौन तरह के बीमारी है केकरा प्रभावित करेला सब के बारे में आज आप लोग के जानकारी दे खातिर हमने के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर सुकुल जी आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा नमस्कार उमा जी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार हाँ तो डॉक्टर सुकुल आप सगवा हमने के बोले ई बीमारी हेमोफीली कौन कौन तरह की बीमारी है हीमोफीलिया खून की एक बीमारी है इसमें जब कोई चोट आती है जब कोई कट होता है तो इसमें खून को जमने में ज़्यादा समय होता है इसी स्थिति को हम हीमोफिलिया कहते हैं सामान्य तौर पर जब किसी को कोई चोट आती है या कोई कट आता है तो देखेंगे कि तुरंत ही खून निकलने लगता है ब्राइट रेड कलर का का खून निकलने लगता है और नॉर्मली हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर खून थोड़े ही सेकंड्स में बंद हो जाता है और समय के साथ ये जो कट है या ऊन है वो ठीक हो जाता है जब किसी को हीमोफीलिया होता है और वह व्यक्ति को चोट आती है तो देखेंगे कि खून का बहना ज़्यादा समय लेता है और रुकने में कठिनाई होती है तो देखिए राजा कि हर बरिश जोन बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्रह अप्रैल के ई हेमोफेरिया दिवस भी मनावल जला आदमी लोग के जागरूक करे खातिर कि कौन है लेकिन हम आपसे ये सवाल करती कि जब आप बोला कि जब एगो घाव लगेला खून बहेला अगर उ तुरंत नहीं बंद होवेला बहाव खून के बहाव तो एक में दिक्कत हो बुलाता शगबा बोले हमने कि कितना तरह के हेमोफीलिया बती हमारे मेडिसिन में दो तरह के हेमोफीलिया होते हैं जिसे हम हेमोफीलिया ए कहते हैं और हेमोफीलिया बी कहते हैं ये दोनों अपने मेकानिज़म्स में अलग हैं लेकिन प्रस्तुतिकरण में अ, अलग नहीं है हुँ. ये सेम है जिसमें खून बहने लगता है और रोकने में कठिनाई होती है तो किरा जस्ती प्रभावित करेगा हिमोफीलिया देखते हैं कि पुरुष वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और आ, देखेंगे तो पुरुष वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं लेकिन ट्रांसमिशन महिला वर्ग के द्वारा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को हीमोफीलिया नहीं होता है होता है महिला महिलाओं को भी हीमोफीलिया अपने आप में बहुत ही रया बीमारी है कम नंबर में पाए जाते हैं लेकिन कंसिक्वेंसेस ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं इसीलिए हर साल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है ताकि जागरूकता बना रहे जैसे कि मैंने कहा कि ये बीमारी पुरुषों में ज़्यादा दिखाई देता है और ज़्यादा गंभीर प्रस्तुत प्रस्तुति भी होती हैं महिलाओं में जब भी ये बीमारी होती है तो कम गंभीर होते हैं बहुत ही माइल्ड होते हैं और ये बहुत ही आ, आसानी से हम इन्हें देख लेते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा महिलाएं इस बीमारी को आगे बढ़ाते हैं ट्रांसमिशन होता है हिमोफीलिया एक हेरेडिटरी बीमारी है यानी कि ये बीमारी जेनेटिक है हमारे जीन्स में एक डेफिसिट है एक अनुमाली है और इसी के ट्रांसमिशन से यह बीमारी होती है है, जब एक बच्चा पैदा होता है और आ, कुछ समय में अगर हमने देखा कि ये बच्चा हीमोफीलिया से, से पीड़ित है तो हम जान लेंगे कि ये बच्चा जो हीमोफीलिया से पीड़ित है ये जीन्स उससे अपनी माँ से प्राप मिला प्राप है, है प्राप। और अगर पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि ये माँ के परिवार ही से आया है तो जब किसी को जैसे बीमारी है तो कोई पुरुष मतलब कि जब किसी पुरुष को ये बीमारी है तो अगर उस परिवार में उसकी एक बहन हो तो वो बहन अपने बच्चे को ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकता है और जो पुरुष होता है वह ट्रांसमिट नहीं करता है तो जब कोई पुरुष पीड़ित हो हिमोफीलिया से उसके बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी लेकिन उसके जो नेफ्यू हैं उससे बीमारी हो सकती है तो एक लक्षण कौन से, छतुम कौन से कैसे पहचान जा जैसे कि मैंने कहा कि इस यह खून की एक बीमारी है जिसमें खून का रोकना ज़्यादा समय लेता है तो देखेंगे कि जब कोई भी चोट आती है तो रोकने में ज़्यादा समय लेता है अगर एक दो बार ऐसा हो जाए तो ये लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है कि देखेंगे कई अनुमाली तो नहीं है खून में जब खून ज़्यादा समय लेता है ये सिर्फ़ हिमोफीलिया के कारण ही नहीं है ये और भी कारण हो सकते हैं इसके अलावा हम देखेंगे कि नाक से लगातार खून खून का बहना भी हो सकता है नाक में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्किन के काफ़ी करीब होते हैं और काफ़ी आसानी से टूटते हैं जैसे कि अगर कोई छींकते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है प्रेशर के कारण और देखेंगे कि एक हीमोफीलिया पेशेंट में ज़्यादा खून बहने की संभावना है और जो गम्स होते हैं उन उससे भी या ओरल कैविटी में जो मुंह में है इससे भी खून बह सकता है दांत को साफ़ करने के समय ये खून हो सकता है या स्पॉन्टेनियसली भी खून बह सकता है स्पेशली जब ये जो ओरल हाइजीन है काफ़ी दाँतें होते हैं या जैसे कोहआ कहते हैं जब दांतों में होते हैं गम्स में होते हैं तो खून ज़्यादा बह सकता है और खून जब एक बार बहने लगता है तो रोकने में समय लेता है त्वचा भी आसानी से छिल सकती है छोटे छोटे टकराव से त्वचा के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है देखेंगे कि अगर हमें कोई चोट आती है या हम हम किसी फर्नीचर से टकराते हैं तो देखेंगे कई बार हमें हिमातोमा हो जाता है जिसे हम ब्लू कहते हैं या जिसों का कहते हैं हुँ. ये इंटरनल ब्लीडिंग का एक साइन है अगर कोई छेद होता तो ये रक्त ये खून बाहर निकलता लेकिन कोई छेद नहीं है तो ये खून अंदर ही रहता है त्वचा के 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 पास आ, या फिर मसल्स में और हम देखते हैं कि ये डिसकलरेशन करता है हुँ. तो ये हीमोफीलिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्षणों में से एक है जब जॉइंट्स में आर्टिकुलेशन या जिसे जोरों कहते हैं इसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है हम जो भी काम करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं चलते हैं तो उसमें हम अपने जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और हिमोफीलिया में देखते हैं अक्सर जोरों में ब्लीडिंग होता है और ये ब्लीडिंग जोड़ों के अंदर ही रहता है तो हम कैसे जानेंगे कि जोरों में ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पर उस जो जो आर्टिकुलेशन प्रभावित हुआ है उसमें सूजन आ जाता है स्वेलिंग आ जाता है डिसकलरेशन भी आ जाता है यानी कि त्वचा का रंग बदल सकता है या और उस उस आर्टिकुलेशन में बहुत दर्द होने लगता है उससे हम जानते हैं कि वहाँ पर खून बह रहा है अब एक एक आम आदमी की की बदौलत जब हम देखेंगे कि हीमोफीलिया में जब लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा रक्त बहता है और खून भी लॉस्ट होता है और सूजन भी ज़्यादा होती है तो दर्द भी ज़्यादा होता है हुँ. और क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इजीली आ जाता है हीमोफीलिया पेशेंट्स में तो बार बार ये ज़ोरों में मसल्स में त्वचा तो अच्छा के नीचे ये जो ब्लीडिंग होते हैं बार बार हो सकते हैं और इससे हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर में खराबी आ सकती है डॉक्टर शुक्र से आप इस्पेशवा इंटरनल मेडिसिन में हजापरी जैसे आप बोला एगो आदमी के अगर चोट लगल लग वो जैसे एगो से, से या एगो लताब से टकरा गल और जब घाव ले गया खून जमा हो जाला अगर वो व्यक्ति तुरंत इलाज खातिर नहीं जाए तो बाद में चल के परेशानी हो सके अगर किसी को हीमोफीलिया ना हो तो ये खून बहना कम कम समय में बंद हो जाएगा और कुछ दिनों तक ये जो हिमातमा है वो कलर चेंज करके फेड हो जाएगा और चला जाएगा अगर सूजन भी है तो धीरे धीरे कुछ दिनों में कम हो के चला जाएगा और ये हम भूल जाएंगे कि हमें चोट लगी है लेकिन जब हिमोफीलिया पेशेंट के यहाँ एक ऐसी चोट आती है तो ये क्योंकि खून ज़्यादा बहता है तो खून Uh, हमारे हमारे ब्लड वेसल्स में कम हो जाते हैं नीमिया दे सकता है और वहाँ स्थाई लेवर लेवल पर जब जहाँ पर खून बहने लगता है वहाँ पर सूजन होती है और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है mm. और जैसे मैंने कहा कि हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर खून बहता है मसल्स में या फिर जोड़ों में स्पेशली हम आ, देखते हैं कि हिमोफीलिया पेशेंट्स के एल्बो के नीज़ घुटन और एरी में ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अगर बार बार उसी जगह पर हिमा हो जाए स्वेलिंग हो जाए तो वहाँ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ डिस्ट्रक्शन हो सकता है जिससे कि उस व्यक्ति को अपने अपने जोड़ों को को यूज़ करने में कठिनाई होगी ये जो जो आर्टिकुलेशंस होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं अकड़ जाते हैं और अपने डेली डेली एक्टिविटीज़ को यूज़ करने में कठिनाई होती है ये जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं वो कई सिंपल हो सकते हैं जैसे कि स्नान करना या फिर एक दरवाज़ा को खोलना अगर एल्बो में में पेन है तो दरवाज़ा खोलना कठिन पड़ जाएगा तो एक इलाज कौन सी हो जैसे कि मैंने बताया था पहले कि आ, ये जो हीमोफीलिया है ये खून की बीमारी है और ये कैसे होता है ये मैं पहले बताऊंगी हमारे खून में Uh, अनेक तरह के प्रोटीन होते हैं hmm. और इन अनेक तरह के प्रोटीन में होते हैं जो कहते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स जैसे इसका नाम बताता है ये जो प्रोटीन होते हैं हमारे रक्त को जमाने में काम आता है hmm. अगर ये आ, आ, कोगुलेशन फैक्टर्स हमारे रक्त से निकाल देंगे तो रक्त तो जमा नहीं होगा ओके okay, जैसे ये एक इंग्रेडिएंट होता है जैसे कि हम अगर एक एक केक करेंगे तो इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा तो ठीक से हमारा केक नहीं बनेगा नहीं। इसी तरह से अगर ये क्वागुलेशन फैक्टर्स मिसिंग होंगे या कम होंगे तो हमारा रक्त ठीक से जमा नहीं होगा और इसी स्थिति को हम हिमोफीलिया कहते हैं हिमोफीलिया में फैक्टर uh, एट या फैक्टर नाइन की कमी होती है हिमोफीलिया ए में फैक्टर एट की कमी होती है हिमोफीलिया बी में फैक्टर नाइन की कमी होती है और इलाज तो आसान है हुँ. अगर कोई कमी है तो उसे हम आ, रिप्लेस करते हैं जिसे हम रिप्लेसमेंट थेरापी कहते हैं हुँ. हमारे लैबोरेटरीज में बनते हैं ये फैक्टर्स कोगुलेशन फैक्टर्स और जब हम अपने मरीजों को ये कोगुलेशन फैक्टर्स इंजेक्शन के द्वारा देते हैं तो उनका शरीर का कोआगुलेशन फैक्टर के जो लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं और अगर हमने इन कोआगुलेशन फैक्टर जो कम थे या अनुपस्थित थे उन्हें बढ़ा देंगे अगर ये जो कोआगुलेशन फैक्टर्स के जो जो कम थे या अनुपस्थित थे उनका जब हम स्तर बढ़ा देंगे तो कोआगुलेशन का जो मेकानिज़म है का जो प्रोसेस है वो फिर से सामान्य आ, की तरह हो जाएगा और हमारे जो हिमोफीलिया से पीड़ित पेशेंट्स हैं जब जब चोट खाएंगे या कट होगा तो उनका आ, रक्त सामान्य लोगों की तरह जम जाएगा तो फिर कंसीक्वेंसेस तो कम हो जाएंगे पहले हम देखते थे कि जब कोई किसी हीमोफीलिया पेशेंट को चोट आती थी तो वो अस्पताल आते थे और हम उन्हें कोगुलेशन फैक्टर्स देते थे ये कई सालों से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है जिससे कि अब हम चोट का इंतज़ार नहीं करते हैं हम ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि हमारे हेमोफीलिया पेशेंट्स हमारे मरीजों को ब्लीडिंग हो जाए हम उन्हें प्रिवेंटिव डोजेस देते हैं फैक्टर की फैक्टर फ़ाख्तेट या फैक्टर नाइन जो भी मिसिंग हैं उन्हें हम प्रिवेंशन के तौर पर दे देते हैं हमारे पेशेंट्स हर सप्ताह को अस्पताल आते हैं अपना इंजेक्शन करते हैं जो काफ़ी समय नहीं लेता है हुँ. और अपने घर को जाते हैं अपने डेली एक्टिविटीज अपने काम को नॉर्मल तरीके से चला सकते हैं यानी एगो एगो ऐसा मरीज जरा बीमारी बाते। हाँ तो जीवन पर प्रभाव पड़ेगा यानी वो कितना समय लेकर उ सकेला जी आ, अगर अगर किसी हीमोफीलिया पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट ना मिले तो आ, बार बार ब्लीडिंग होने के कारण शरीर के अनेक अंगों में डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जब कहते हैं आ, अनेक अंगों हम ये भी जानते हैं कि हमारे हमारे मरीज़ों को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है जो वाइटल सोगान होते हैं हुँ. जैसे कि किडनीज़ या ब्रेन और आ, देखा गया था कि जब ट्रीटमेंट नहीं था या ट्रीटमेंट एफ़िशेंट तरह से दिया नहीं जाता था तो ये बचपन ये पेशेंट्स बचपन में ही मर जाते थे नौ दस साल की उम्र तक जाते थे और ये तो मुश्किल से ही नौ दस साल की उम्र से जा तक जाते थे क्योंकि हैंडीकाप भी आ, आ जाता था अब जबकि हमारी आ अस्पतालों में ये इलाज आ, आसानी से मिल सकती है हालांकि कि बहुत ही एक्सपेंसिव इलाज है लेकिन काफ़ी आसानी से हमें मिल सकता है और जब से हमने इसे प्रिवेंशन की के तौर पर देना शुरू किया है आ, हमने देखा है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है हमारे हमारे मरीज़ों के जीवन शैली में और हमारे मरीज़ों के जीवन के स्तर में और हमारे जो मरीज़ों के जीवन की लंबाई है इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्टडीज़ किए गए हैं उसने उनमें हम देखते हैं कि हमारे मरीज़ अब सामान्य रूप से अपना जीवन बिता सकते हैं और हैंडीकैप का जो अवसर भी कम हो जाते हैं तो वे सामान्य तौर पर आम लोगों की तरह अपने जीवन को बिताते हैं सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स तक हमारे अस्पतालों में भी हमारे बीच uh, कई ऐसे ऐसे मरीज़ हैं जो 40, फिफ्टी साल के हैं जो अपना इलाज ठीक तरह से करते हैं और अपने जीवन को पर्सनल जीवन प्रोफेशनल जीवन को अच्छी तरह से निभाते हैं एक मरीज़ मेरे ख्याल में आ रहा है जो मेकानिशा का काम करता है वो अपना काम ठीक तरह से करता है और हर सप्ताह को अस्पताल आता है अपने इलाज के लिए यानी ज़रूरी बातें इलाज उन बातें करे कि जैसे सप्ताह हर सप्ताह हाँ, अस्पताल जब हम हर सप्ताह को अपना इलाज करते हैं तो देखा गया है कि इमरजेंसी हॉस्पिटलेशंस कम होते हैं जब जब हर सप्ताह को ये इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारे फैक्टर का जो लेवल होता है वो नॉर्मल ज़्यादातर नॉर्मल की ओर जाता है और जब उसी उसी व्यक्ति को कोई चोट आती है कोई कट आता है तो खून का बहना और अन्य लोगों की तरह नॉर्मल हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी कम पड़ जाते हैं तो ऐसन ऐसा मरीज़ के आ, आ, जला ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगा नहीं ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो जो मामला होता है अगर कोई ब्लड ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो ब्लड ट्रा, ट्रांसफ्यूजन का होना ज़रूरी है जैसे कि देखेंगे कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है एक हीमोफीलिया पेशेंट इसमें इसमें मौजूद हैं और घायल हो जाता है तो ज़्यादा रक्त के बहने से अनिमिया हो जाता है और हमें आ, ब्लड देना पड़ता है लेकिन जो आम तौर पर जो हमारे मरीज़ होते हैं जो अपने ट्रीटमेंट ठीक से करते हैं और चोटों और कटों की जो इलाज है, ठीक तरह से करते हैं उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ता है तमशस में ढेर कोई के बातें ये बीमारी मॉरीशस में हमने देखा है कि अराउंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी पर्सनस को ये बीमारी हैं जो कि एक रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं ब्लड ब्लड बैंक के यहाँ और ये सभी लोग uh, हमारे अस्पतालों में हमारे पांचों रीजनल uh, अस्पताल में आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और उनका एक संगठन भी है हीमोसिलिया सोसाइटी जो हुँ. काफ़ी सपोर्ट देता है और हमने देखा है कि कैसे जैसे कोविड महामारी के के दौरान जब लॉकडाउन होता था तो हमारे पेशेंट्स आसानी से अस्पताल नहीं आ सकते थे तो उसी समय एक इंटेंसिव एजुकेशन कोर्स हुआ है मरीज़ों के, के लिए और उन्हें ये सिखाया गया है कि कैसे अपने आप को मोनीटर कर करें घर पर ही और कैसे घर पर ही अपने आप को ये इंजेक्शन दे सकते हैं ये फैक्टर के इंजेक्शन दे सकते हैं तो हमारे बीच मॉरिशस में कई दस पंद्रह ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी का खुद का इलाज करते हैं अपने इंजेक्शन्स के द्वारा घर ही पर इससे वे कम ही अस्पताल आते हैं और और अपने जीवन को नॉर्मली व्यतीत कर सकते हैं डॉक्टर सुकुर जी आप काफ़ी विस्तार से बीमारी के बारे में हमने के जानकारी दिला और ये जैसे कि बोल कि काफ़ी व्यवस्था बातें आ, इस सब मरीज़ लोग खातिर लेकिन समय की कमी बातें खातिर हम आखिर में आपसे यही बोलती कि सुझाव के तो, तौर पर आप कौन सी बोलवा हेमोफीलिया हमने कहा है कि एक रया बीमारी है लेकिन जानलेवा हो सकती है इसका इलाज करना ज़रूरी है ये तो मरीजों के, के लिए है लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन के लिए है हमें जागरूक रहना पड़ता है कि हिमोफीलिया क्या है क्योंकि हमारे हमारे दोस्तों के बीच हमारे परिवार के बीच ये मरीज़ हो सकते हैं और हमें उनके प्रति अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए स्कूल में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिस जो जिन्हें स्कूल जाना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं तो आ, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे इस दोस्त को ये बीमारी है हमें उन्हें पुश नहीं करना चाहिए स्पोर्ट करते समय कई प्रिकॉशंस लेना चाहिए अध्यापकों को भी जागरूक होना चाहिए इस बीमारी के बारे में ताकि हमें हम उनको हानि ना पहुंचाएं और फिर मरीज़ों को आ, अच्छी तरह से अपने जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए व्यायाम भी करना चाहिए जो स्पोर्ट्स कंट्राइंडेटेड होते हैं जो नहीं करना चाहिए वो कंटा स्पोर्ट्स होते हैं जो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है लेकिन जैसे तैरना चलना ये सब कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवअजा ये सब जानकारी हमने के संगे बाटे खातिर आपको भी धन्यवाद माँ जी नमस्ते नमस्ते जी हाँ आज जैसे हमने ग, आप लोग के जानकारी दे दी जाए कि हीमोफीलिया कौन तरह के बीमारी है और ये डॉक्टर जी काफ़ी जानकारी दिलन कि मंत्रालय के तरफ से कोन कौन, -कौन व्यवस्था करल गल बा और ये कौन कौन सेवा प्रदान करल गल बा लेकिन सब आप लोग के हाथ में बाते कहे कि आप लोग के स्वास्थ्य आप लोग के हाथ में बाते जैसे कि के डॉक्टर जी बोलन कि चाहे आप लोग के व्यायाम करे के खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दे के तम्मीद करत है जा कि आप लोग जौन जौन जानकारी उपलब्ध करावल गल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देव जा तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के करी के हजे पर ही एक विराम देव जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करप जा अभी खातिर के और के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा नमस्ते